सो आपने काफी बार देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, किसी की न्यूड पिक लेके उसे ब्लैकमेलिंग करते हैं, उससे कुछ अपना काम निकलवाते हैं, उससे कोई फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं, उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उन फोटोज़ को लेके कि ये कर दो नहीं तो मैं आपके जो फोटोज़ हैं पिक्स हैं वो शेयर कर दूंगा, वायरल कर दूंगा, आपकी इंसल्ट करा दूंगा सोसाइटी में। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कंप्लेंट कैसे करनी चाहिए, सो वट एवर इट इज़, अगर आपके साथ ये होता है तो क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सब करते हो, सपोज़ आप ये ब्लैकमेलिंग करते हो, तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्यों दूर रहना चाहिए और वट एवर इट इज़ ब्ला ब्ला ब्ला। सो इन दिस वीडियो वी विल टेक और ब्रेक दीज फकिंग कन्फ्यूजन एंड सोशल एविल्स, आई मीन 360 डिग्रीज कवर करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट इट, बट बिफोर गेटिंग इन टू द वीडियो यू हैव टू डू माई टू वर्क। सो द फर्स्ट वर्क इज इंस्टाग्राम, इफ यू हैव नॉट फॉलो मी स्टिल नाउ देन स्टार्ट फॉलोइंग मी, एंड द सेकेंड थिंग इज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द अपडेट्स फ्रॉम द गरीब अकबर। सो लेट्स स्टार्ट इट, इंट्रो। And just felt right, phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight, it turned a short day into a long night. See you soon if you got the heart, meet you outside when you... So, okay. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके साथ कोई ब्लैकमेलिंग करता है, कोई आपकी पिक्स ऐसी हरकतें करता है पिक्स के साथ, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि क्यों डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारी तो उसके पास नग्न तस्वीरें पड़ी हैं और आप बोल रहे हो कि डरने की ज़रूरत नहीं है। सो इसके पीछे रीज़न है कुछ, तो रीज़न ये है कि आपको बता दें हर फ़ोन में एक आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो इसके दो काम होते हैं, एक आइडेंटिफाई करना और एक लोकेशन बताना। गॉट इट। सो द सेकंड थिंग इज आईएमआई नंबर, हर फोन में आईएमआई नंबर होता है जिससे कि ट्रेस हो जाता है कि किसने ये सब किया है और उसको सीज कर देते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज सेक्शन 66E ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यानी कि अगर कोई आपकी पिक्स शेयर करता है, ट्रांसमिट करता है, कोई पब्लिक करता है विदाउट आपकी कंसेंट, बिना आपकी मर्जी के, यानी कि सरल शब्दों में कहें तो कोई आपको ब्लैकमेलिंग करता है, तो ये एक क्राइम है और इसमें जो मैक्सिमम सज़ा है वो है 2 साल, उसे 2 साल तक सज़ा हो सकती है, इवन उसे 2 लाख रुपये तक फाइन भी हो सकता है। गॉट इट। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम बात करेंगे कि प्रोसीजर की, आपको कंप्लेंट कैसे करानी चाहिए। सो सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको क्या करना है, साइबर सेल में जाके कंप्लेंट करानी है। साइबर सेल, अब आपको ये नहीं पता होगा कि साइबर सेल कहाँ पे मिलेंगे, क्या होगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ऑनलाइन, आप ऑनलाइन कंप्लेंट करा सकते हो। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स यही है जो भी आपके पास प्रूफ हो, जैसे कि कोई स्क्रीनशॉट है, कोई धमकी भरा मेल है, रिकॉर्डिंग है, कुछ भी चैट है, कुछ भी हो, वो आपको फिल करानी होती है और एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। गॉट इट। सो नो नीड टू अफेयर फ्रॉम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ये तो हो गई अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो तो। लेकिन सपोज आप ही किसी को ऐसी ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, किसी की न्यूड पिक लेके आप किसी को ब्लैकमेल कर रहे हो, तो आपको बता दें ये क्राइम है। अगर आप प्रूफ हो जाते हैं कि ये सब आपने किया है, तो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, यस टोटली, और जो कैरेक्टर है वो भी आपका बिल्कुल ख़राब हो सकता है। तो हम इसको सोशली एस्पेक्ट के तहत लेंगे कि अगर हम सोशली सोचा जाए, ये चीज़ सोशली सोचा जाए, तो आपको पता चलेगा कि कितनी डिस्ट्रॉयफुल है, कितनी हार्मफुल है, आपकी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकती है। सपोज आप किसी को ब्लैकमेल कर रहे हो। गॉट इट। आप किसी को न्यूड पिक्स से लेके ब्लैकमेल कर रहे हो, तो अगर प्रूफ हो जाता है तो आपको फाइन अलग होगा 2 लाख रुपीज तक, वो डिपेंड करता है आपने कितना हरासमेंट किया, पनिशमेंट अलग होगी, इंसल्ट अलग होगी, और सपोज आप सोसाइटी में कोई भी जॉब करने के लायक नहीं होंगे, और गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल भूल जाओ, यस, क्योंकि एक बार किसी पर क्राइम हो जाता है, उसका रिकॉर्ड आ जाता है, तो वो गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल भी नहीं कर पाता। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि आपके घर में भी माँ बहन होंगी, सिस्टर्स होंगी, मदर्स होंगी, कल को उनके साथ ये सब होता है तो आपको कैसा फील होगा। सो इफ़ यू आर दैट गाय, अगर आप करते हो ये सब, सो लीव इट, यस लीव इट। अगर आपके साथ ये हो रहा है, अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो इमीडिएटली एक्शन लीजिए। और आपको एक बात बता दूँ कि इसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो ग्लोबल है, ग्लोबल यानी कि आप कहीं पर भी कंप्लेन कर सकते हो, ये नहीं है कि आप दिल्ली के रहने वाले हो और जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है वो
गुजरात का है, तो आप गुजरात जाके कंप्लेन करोगे ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप अपने दिल्ली में भी कंप्लेन कर सकते हो। अगर फिर भी आपको नहीं पता कि ये कैसे होती है कंप्लेन और मैनी मोर थिंग्स, तो आप किसी साइबर कैफ़े पे जाके उससे कंप्लेन करा सकते हो। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। एंड वन मोर थिंग, अगर आप सोच रहे हो कि खड़े होके एडवाइस देना काफ़ी ईजी है, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग कैसे रोकें? अगर कोई आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा है, तो आप उस पर्सन को ये वीडियोज़ भेज के देखें, आपको रिजल्ट मिलेगा। गॉट इट? एंड टेक इमिडिएटली एक्शन, आपको एक्शन लेना चाहिए, और नो नीड टू अफेयर फ्रॉम सच टाइप ऑफ फकिंग्स। गॉट इट? सो आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोज। मीनवाइल यू डोंट फॉरगेट टू स्टे स्टाइलिश एंड स्टे अवेयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।